गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आपका जो चैप्टर चल रहा था उसका नेम था स्लीपिंग ड्यूटी, कंप्लीट हो चुका है। इसके जो पैराग्राफ लास्ट बचे हैं, चलिए आगे पढ़ते हैं क्या होता है कहानी में। द स्टोरी ऑफ स्लीपिंग ड्यूटी। आवर प्रिंसेस बिकम अ लैंड इन द कंट्री। फॉर द टाइम द प्रिंस फ्रॉम अ फेयर अवे किंगडम्स वुड कम एंड ट्राई ऑफ फॉर्ज द वे थॉट द हैंड ऑफ द वंस बट दे फाउंड इट इम्पॉसिबल टू कट डाउन इन द थ्रोट एंड सो दे गिव अप द सर्च ऑफ स्लीपिंग ब्यूटी एंड रिटर्न टू द किंगडम। स्लीपिंग ब्यूटी की जो कहानी थी वो पूरे कंट्री में फैल चुकी थी। ओके, ये एक तरीके का एक चैप्टर बन चुका था कंट्री के अंदर, एक स्लीपिंग ब्यूटी का, कि इस टाइप की कोई स्लीपिंग ब्यूटी रहती है। हमारे यहाँ राजकुमार देश में एक राजकुमार देश में आया था, क्योंकि सब लोगों ने ट्राई कर लिया था। जो भी वहाँ के राजकुमार थे, काफ़ी सारे राज घर के जो आए थे वहाँ पे कंट्री के अंदर, उसने सब लोगों ने ट्राई किया उसके अंदर जाने के लिए किंगडम के अंदर, कि कट करने की कोशिश करी, बट कोशिश नाकामयाब रही क्योंकि असंभव था उस चीज़ को काटना, क्योंकि जो उसकी झाड़ियाँ थी वो इस तरीके से चारों तरफ से इससे लपेट गई थी, जैसे कि जंगल नहीं होता उससे भी बहुत भयानक हालत हो चुकी थी, क्योंकि इतने साल बीत चुके थे उस चीज़ को कि आप उसको काट ही नहीं सकते थे। तो ऐसे करते करते काफ़ी सारे जो है किंग, वहाँ के किंग थे जो भी, उन्होंने काफ़ी राजाओं ने कोशिश करी कि इस चीज़ को संभव किया जाए, बट सब इस चीज़ से हार चुके थे और फिर अपने अपने राज्यों में वापस लौट चुके थे। मतलब कि इतने लोग आके ट्राई कर चुके थे कि ये सब सोच चुके थे कि अब नहीं होगा, मतलब कि बहुत सारे लोग ट्राई कर चुके थे। आगे बढ़ते हैं। व्हेन द 100 ईयर वर ऑलमोस्ट अप अ प्रिंसेस कम इन टू द किंगडम एंड हंट अंडर द स्टोरी ऑफ स्लीपिंग ब्यूटी इन द प्लेस हैंडिंग बिहाइंड द ही सो गैनो डैट मैनी प्रिंसेस एंड ऑलरेडी ट्राइड टू द सर्च स्लीपिंग ब्यूटी बट हैड फाइल्ड बट दिस नॉट पुट अ प्रिंसेस ऑफ द ही साइड आई वेंट टू गो एंड फाइंड द लवली प्रिंसेस ब्यूटी माई सेल्फ। देखिए, 100 साल बाद एक राजा जन्म लेता है, उसके बाद ऑलमोस्ट वो बड़ा हो चुका होता है, क्योंकि स्लीपिंग ब्यूटी वो 100 ईयर्स हो चुके सोते हुए, वो 100 साल की हो चुकी थी, उससे सोते हुए 100 साल बीत चुके थे। आगे स्टोरी में ऐसा होता है कि राजा आता है, राजा जो पैदा हुआ है, ठीक है, मतलब कि वो इन फ्यूचर जो राजकुमारी है उसके साथ वो उसका राजकुमार है, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ ऑलरेडी। सो वो उस चीज़ को आप क्या करता है, स्लीपिंग ब्यूटी के बारे में सुनता है, पढ़ता है, समथिंग उसके बारे में जानता है, तो वो उस जगह पर जाता है जहाँ पे स्लीपिंग ब्यूटी का घर होता है। वो ऑलरेडी सब उसको पता था कि कितने महाराजा जो भी थे वहाँ के लोग बहुत अच्छे से ट्राई कर चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा उन्होंने कोशिश करी थी इस चीज़ को, बट वो उसे कर नहीं पाए, इम्पॉसिबल। पर राजा का ही बात उसने बोली थी कि बट मैं इस चीज़ को कैसे ना कैसे करके मैं इस चीज़ को कंप्लीट करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और मैं इसे जो स्लीपिंग ब्यूटी है इसे मैं अपना बना के रहूँगा। उसे देखना था कि वो कैसी दिखती है प्रिंसेस, उसने कमिटमेंट कर दी थी इस बात की। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ।